नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपनी ही सरकार की पुलिसिंग से नाराज विधायक। फतेहपुर में होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएमओ एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए थे। होली पर्व के दूसरे दिन चांदपुर कस्बे में चांदमारी का आयोजन कई वर्षों से किया जाता है, जिस पर एसओ ने कार्यक्रम नहीं होने दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी को मौके पर बुलाया था, जहां एसओ ने मंत्री जी के साथ बदसुलूकी की थी। इसी बात से नाराज होकर आज भाजपा के विधायक ग्रामीणों के साथ फरियाद लगाने एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी से मुलाकात करने के बाद विधायक विक्रम सिंह ने बताया कि चांदपुर कस्बे में विगत कई वर्षों से एक परंपरा के तहत कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार एसओ ने कार्यक्रम नहीं होने दिया और कार्यक्रम में आए कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी के साथ एसओ ने बदसलूकी भी किया था, जिसकी शिकायत हमने एसपी से की है। हमारी मांग है कि एसओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसे हटाया जाए। कार्रवाई आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं एसओ वहां ना रहे। बिल्कुल, एसओ ने वहां पर उस दिन 5000 ग्रामीण भाइयों का अपमान किया है, उस पूरे गांव का अपमान किया है, उस गांव की परंपरा और उसके बुजुर्गों का अपमान किया है। अपमान करके इस सरकार में कोई, आम आदमी का अपमान करके इस सरकार में कोई अपनी गद्दी पर काबिज नहीं रहेगा। उन्होंने एक इंक्वायरी का तो आश्वासन किया ही है, इंक्वायरी हो रही है, आज शायद कुछ लोग गांव जाएंगे भी, और ये निश्चित है कि शासन को इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करनी होगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने मंत्री के साथ बदतमीजी करने का काम किया है। हमारे जहानाबाद के जो लोकल विधायक जेल मंत्री राज्य में जय कुमार जैकी जी मंत्री थे, वहां पर कार्यक्रम में सादर उनको आमंत्रित किया गया था, और वहां पर उनके ऊपर अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठेगी कि जब मंत्रियों के ऊपर इस तरह की बात हो रही है तो प्रशासन क्या सो रहा था। और इसलिए ये घटना को मैं सारे जनपद से जोड़कर देख रहा हूं। हर गांव में, हर पंचायत में अपने तरीके की परंपराएं हैं, ये परंपराओं का सम्मान करने का काम शासन और प्रशासन का होना ही चाहिए। हम हर परंपरा का सम्मान कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे क्या रणनीति होगी? ये हमारी सरकार है, यहाँ ऐसा नहीं होता कि कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी। आपको खुद आना पड़ा क्या? फोन से भी आपकी बात हो सकती थी? फोन से बात हो सकती थी, लेकिन चूंकि सब लोग आए थे तो मैं इनके मुंह से चाहता था कि एसपी साहब जो सही बात है वो सुने और मेरी मौजूदगी में सुने, मैं उसका गवाह रहूं। आपको खुद फरियाद लगाना पड़ा? फरियाद तो हम हमेशा रहेंगे, जहां आम जनता की परेशानी की बात होगी वहां मैं उनकी तरफ से हमेशा फरियादी रहूंगा, चाहे सत्ता में रहूं और चाहे विपक्ष में रहूं। कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारे मंत्री जी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग, कुछ ईंटा पत्थर का चलना और एक परंपरा जो चली आ रही थी कई वर्षों से, उसको एक एसओ के द्वारा रोकना, ये आज की मेरी मीटिंग का मुख्य विषय था। उसको लेकर गांव के सारे लोग यहां आए हुए थे जो मुख्य लोग थे, और गांव में मैं गया था कल तो मुझे ये पता चला कि करीब 150 साल पुरानी एक परंपरा को एसओ द्वारा आर्बिट्रेरी तरीके से बिना कोई विशेष कारण बताए रोक दिया गया। एसओ का एक इतिहास है जो ठीक नहीं है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, ऐसा वहां के लोगों के द्वारा भी जानकारी हुई। तो उसी विषय पर एसपी से बात हुई है कि एसओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो ये परंपराओं को तोड़ने का जो काम है, जो संवैधानिक तौर पर गलत परंपराएं नहीं है, उन परंपराओं का, विशेषकर ग्रामीण परंपराओं का सम्मान करना चाहती है ये सरकार, तो जो सरकार की नीति है वही शासन की नीति होनी चाहिए।